Look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. तो जैसा कि आप लोगों ने देखा भाई, यहाँ पे जो है वो पबजी न्यू स्टेट के अंदर जो मोटर ग्लाइडर था, इसको उड़ाने में मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ एंड आप में से भी काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता होगा। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पबजी न्यू स्टेट के अंदर मोटर ग्लाइडर को किस तरीके से फ्लाई कर सकते हो, साथ ही साथ ये आप लोगों को कौन से लोकेशंस पे देखने के लिए मिल जाता है, किस तरीके से भाई उड़ता है, सारा गाइड मैं आपको कर दूंगा। तो अगर आपको भी दिक्कत होता है भाई इसको उड़ाने में, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद सारा प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों का खत्म हो जाएगा। सबसे पहले लोकेशन की बात करूं तो आप लोगों को एरेंगल 2051 में हॉस्पिटल के अंदर, जी हाँ हॉस्पिटल में आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो फटाफट से मैं आपको बता देता हूं कि वो लोकेशन जो है वो कहां पर है। बात करोगे लोकेशन की तो आप जैसे ही हॉस्पिटल के ऊपर लैंड करोगे, तो लैंड करने के साथ आप यहां से चाहो तो आप पैदल भी जा सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहां से व्हीकल ले लेना। एंड व्हीकल लेने के बाद भाई आप लोगों को ना सिंपली यहां पे भाई साउथ की तरफ बढ़ना है, ठीक है। अब जैसे ही सीधा आप बढ़ोगे उसके बाद आप लोगों का ना एक लेफ्ट टर्न आता है और बगल में ध्यान रहे आप लोग को समुंदर दिख जाएगा, तो आप लोग समझ जाना कि यहाँ पर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, स्पॉट हो जाता है बड़ी आसानी से और बहुत जगह पर एंगल पर आप लोग को देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो मेरे को यहाँ पर देखने के लिए मिल चुका है, पे आप लोग देख पा रहे हो कि ग्लाइडर यहाँ पे आ चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको जो है वो किस तरीके से फ्लाई करते हैं। तो इसको फ्लाई करने के लिए नॉर्मली दोस्तों, जैसे आप कार वगैरह चलाते हो या फिर आप व्हीकल चलाते हो, बाइक चलाते हो, तो जैसे ही सेट हो गए तो ड्राइव का एक बटन आएगा, आपको ड्राइव पे क्लिक करना है। ड्राइव पे क्लिक करने के बाद आपको साइड में एक ना इंजन लिखा हुआ दिखाता होगा, तो आपको इंजन पे जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो आपका ये जो पंखी घूम रहा है ना, ये आपका स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये जो आप लोगों का ग्लाइडर है ये आप लोगों का ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही भाई इसको आपको बटन दिखता होगा सामने, आपको आगे करना है, पीछे करने वाला एंड दाया बाएं करने वाला बटन दिखता होगा। तो यहाँ पर भाई मैं ना फिर से यहाँ पर गलती करता हूँ, जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ फिर पत्थर में जाकर टकरा जाता हूँ, लेकिन अब मेरे को यहाँ पे समझ आ चुका था कि इसको किस तरीके से उड़ाना है। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले इंजन को ऑन करना है, आपको मैं तीर से हाईलाइट कर दूंगा। इंजन को ऑन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप लोग को एक खाली प्लेस दिखना है। खाली प्लेस दिखने के बाद आप लोगों को ना सामने की तरफ करना है एंड सामने की तरफ करने के बाद आप लोग देख पा रहे हो दायां बायां का बटन आपको ऊपर नीचे आगे पीछे का भी बटन दिखता होगा, बस आप लोग को इंजन ऑन कर देना है, ठीक है। और आपको सामने की तरफ जाना है, सामने की तरफ जाने के बाद आप लोग को ऊपर में एक फ्लाई हाई एंड फ्लाई डाउन का बटन होगा, तो आपको ऊपर फ्लाई अप वाले बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो मैं टैप कर रहा हूँ एंड भाई इंजन ऑन करने के बाद आप लोगों को बस ऊपर अगर जाना है तो आप लोगों को जो तीर ऊपर की साइड जा रहा है आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और आप लोगों को दाएं बाएं जिधर करना है आप इससे बड़ी आसानी से कर सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था इसको उड़ाने में, बट जब मैं समझ गया तो भाई बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है भाई, बस आप लोगों को इंजन ऑन करना है एंड उसके बाद एक नॉर्मल सा खाली प्लेस देखना है एंड उसके बाद दोस्तों आप लोगों को ना बस ऊपर वाला जो आपको हाई मतलब ऊपर उड़ाने वाला जो बटन है ना, बस उसके ऊपर टैप करते रहना है। आपको कोई एक्सेलेरेटर यहाँ पे नहीं देना, एक्सेलेरेटर यहाँ पे कोई देने का ज़रूरत ही नहीं है, ये खुद ब खुद उड़ता रहेगा, जी हाँ। तो बहुत ही सिंपल है इसको उड़ाना भाई, बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग समझ गए होंगे, मैं कई बार गिरा भी बट आप लोगों ने देखा कि मैं फिर दोस्तों जो वो आप लोग को उड़ा के दिखा दिया। तो भाई बहुत सिंपल है, सबसे पहले आपको इंजन ऑन करना है, उसके बाद आपको एक खाली प्लेस देख करके सामने की तरफ ये जाने लगेगा, बढ़ने लगेगा, आपको उसको आगे बढ़ाना है। बढ़ाने के बाद आपको सिंपली फ्लाई हाई पे क्लिक करते रहना और ये आप लोगों का उड़ता रहेगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है जिससे आप भाई इसको उड़ा सकते हो और आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। तो आपको अगर पसंद आया तो भाई इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको जरूर से रिप्लाई कर दूंगा। और इस वीडियो को शेयर कर देना, मैं आपसे मिलूंगा किसी न्यू एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड बाय।